गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम यू टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम ओरेकल DBA, ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और ओरेकल डेवलपर। तो इसके जो कंटेंट्स है उसमें हम ये देखेंगे कि डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं और ओरेकल डेटाबेस क्या है। तो यहाँ तक तो आपका जो है वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक सारा अवेलेबल होगा, और वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है मैं बताऊंगा आपको कि DBA के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद वीडियो के थर्ड पार्ट में जो है मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए DBA और डेवलपर, यानी कि एक DBA और डेवलपर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है DBA और डेवलपर के लिए, व्हाई ओरेकल सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ओरेकल DBA और डेवलपर, और DBA को एज ए करियर आप चूज करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एज ए DBA और डेवलपर जो है आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। तो मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BCA, MCA, BTech, MTech, BE, ME और DOEIC जैसे कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं और अपना करियर जो है ओरेकल डेटाबेस में बनाना चाहते हैं। तो मेरे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इंफॉर्मेशन। कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्टोर एंड मैनेज दिस इंफॉर्मेशन टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, और वो ऑर्गेनाइजेशन इस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखती है और फिर उसका मैनेज भी करती है। मैनेज इन द सेंस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, इंफॉर्मेशन को डिलीट करना जो काम की नहीं है, इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, इंफॉर्मेशन को रखना, ये जो सारा काम होता है इसी को मैनेज करना बोलते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कलेक्ट एंड मेंटेन द इंफॉर्मेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज ETC इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करेगी मतलब उसको स्टोर करके रखेगी और उसको मेंटेन भी करेगी। तो कौन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, कौन से इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगी? तो वो इन्फॉर्मेशन जो अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग डिपार्टमेंट से अराइज हो रही है, जनरेट हो रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि एक कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट से जो सेल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, तो इन सारे इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करके कंपनी रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। किसके लिए? फॉर इट्स एम्प्लॉइज। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाती है तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज को उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दीज इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड टू दोज हु आर वर्किंग इन दीज डिपार्टमेंट्स। तो ये इंफॉर्मेशन अवश्य जो है, ये इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल होना चाहिए जब कभी भी इसकी ज़रूरत हो
किनको, वो जो इन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ तक सारा था कि डेटाबेस क्या है। अब देखते हैं कि डेटाबेस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो डेटाबेस इज़ नॉट लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटाबेस का जो यूज़ है वो केवल ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं होता है, बट ऑल्सो टू बैंकिंग सेक्टर। डेटाबेस का यूज़ बैंकिंग सेक्टर में भी होता है। आप बैंक में जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, पैसे निकालते हैं, तो वो क्या है, उससे एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। तो किस कस्टमर ने कब कब कितने पैसे निकाले, कितने जमा करवाए, तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंकिंग सेक्टर को स्टोर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटाबेस का जो प्रयोग है, यूज़ है, वो बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, और इसी तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट में भी डेटाबेस का यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इसका यूज़ होता है, एयरलाइंस डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, और भी बहुत सारे इसी तरीके डिपार्टमेंट में डेटाबेस का यूज़ होता है। नाउ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब समझते हैं कि डेटाबेस को जो है हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है, ये डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन का मतलब कि डेटा को एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है स्टोर करके रखा जाता है। तो डेटाबेस क्या है, इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा विच कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। इसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, इंडेक्स ईटीसी टू मेक इट ईजियर टू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि डेटा को स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखना, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखना, इंडेक्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है, टू मेक इट ईजियर टू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को बहुत ईजीली फाइंड किया जा सके, बहुत ईजीली एक्सेस किया जा सके। तो दीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स आर फाइनली स्टोर्ड इन द सेंट्रल डेटाबेस। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसको हमने स्टोर करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, इंडेक्स, तो ये जो है टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, इंडेक्स को हम फाइनली स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, सेंट्रल डेटाबेस में। और सेंट्रल डेटाबेस किसको कहते हैं, डेटाबेस के सर्वर को बोलते हैं। तो जो डेटा टेबल्स के फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, इंडेक्स के फॉर्म में है, उन डेटा को, उन इंफॉर्मेशन को हम फाइनली जो है स्टोर करके रखते हैं डेटाबेस के सर्वर में। वेन एवर वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन आर रिट्रीव फ्रॉम सर्वर। और जब कभी भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्वर से उसको रिट्रीव कर लेते हैं। अब सर्वर से डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन की मदद से। तो डेटाबेस एप्लीकेशन की मदद से कैसे, कि अभी ऊपर बात की है मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट में जो है उनके अपने पीसी पर एक डेटाबेस का एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होगा। तो उस डेटाबेस के एप्लीकेशन में हम एम्प्लॉई आईडी या डिपार्टमेंट एम्प्लॉई आईडी डाल करके हम एम्प्लॉई से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। तो डेटाबेस एप्लीकेशन वही है। अब डेटाबेस एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब डेटाबेस एप्लीकेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस सर्वर। तो वो क्या करता है, डेटाबेस के सर्वर से इंटरेक्ट करता है, किस लिए, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन में को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो है डेटाबेस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं।
Relational database refers to a database that stores data in a structured format using rows and columns. Relational database refers करता है to a database, एक ऐसे database को that stores data, जो data को store करके रखता है in a structure format में data को store करके रखता है using rows and columns को use करके. This makes it easy to locate and access specific values within the database. तो इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि विद इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसे लोकेट करने में आसानी हो जाती है. इट इज रिलेशनल बिकॉज द वैल्यूज विद इन ईच टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर. इसको रिलेशनल डेटाबेस इसलिए कहते हैं क्योंकि टेबल के अंदर वैल्यूज जो है वो रिलेटेड होती है आपस में. वैल्यूज विद इन द टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉई आईडी, एक टेबल के अंदर एम्प्लॉई आईडी है, फिर एम्प्लॉई का नेम है, एम्प्लॉई की सैलरी है, तो एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई का नेम, एम्प्लॉई की सैलरी, ये तीनों एक टेबल के अंदर क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है. टेबल्स में ऑल्सो भी रिलेटेड टू अदर टेबल्स. और रिलेशनल डेटाबेस का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें हम मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की. तो आगे के लेक्चर में जब हम एसक्यूएल की क्वेरी पढ़ेंगे तो उस एसक्यूएल की क्वेरी में मैं समझाऊंगा कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं और मल्टीपल टेबल को क्रिएट करने के बाद जो है उसको आपस में प्राइमरी और फॉरेन की के जरिए कैसे उसको रिलेट करते हैं. तो द रिलेशनल स्ट्रक्चर मेक इट पॉसिबल टू रन क्वेरीज अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स एट वंस. अच्छा, ये जो इसका रिलेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि मल्टीपल टेबल्स पे क्वेरी को रन करने में आसानी हो जाती है. बहुत ही फास्ट क्वेरी रन होगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को सेंड करेगा. तो ये सारा था अबाउट रिलेशनल डेटाबेस. नाउ व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं टू मैनेज द डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, वही डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, डेटा को उसमें इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये सारा काम जो है उसको मैनेज करना कहते हैं. MySQL, SQL Server, Oracle, etc. are all very popular commercial database management system. और MySQL क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है. SQL Server क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है. Oracle क्या है? Oracle डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है. तो all are popular and commercial database management system. Database management system provides an interface to perform various operations like in it storing and updating data in tables and lot more. अभी जो database management system का जो software है वो क्या करता है? एक interface provide करता है. किस तरह का इंटरफेस? टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस. बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. और बहुत सारे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि डेटाबेस में जो है डेटाबेस को स्टोर करना, उसके बाद जो है डेटा को अपडेट करना टेबल्स के अंदर, और इसी तरीके से बहुत सारे काम को जो है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स. अगर डेटाबेस को यूज करने वाले बहुत सारे यूजर्स हैं और एट द सेम टाइम
कोई भी यूजर अपने एंड से एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर अपने एंड से जो है सेम टाइम पे इंफॉर्मेशन को फेच करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कंसिस्टेंसी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये फोर्थ जनरेशन क्वेरी लैंग्वेज सच एज एसक्यूएल इज यूज्ड अलोंग विद द डीबीएमएस पैकेज, और डीबीएमएस पैकेज के साथ एक फोर्थ जनरेशन क्वेरी लैंग्वेज जिसे एसक्यूएल कहते हैं वो भी ऑलरेडी इनबिल्ट होता है और विच इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। और स्ट्रक्चर वो जो क्वेरी लैंग्वेज है एसक्यूएल की क्वेरी लैंग्वेज उसका यूज करते हैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। Oracle Database, it is one of the world's most popular database management system. Oracle का जो database है वो world's का most popular database management system का software है। It is a kind of relational database management system. और Oracle के database में relational database management के सारे features है। तो रिलेशनल डेटाबेस के फीचर्स जैसे टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, तो वो सारा ओरेकल के डेटाबेस में होता है। एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल डेटाबेस का ये सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल कॉरपोरेशन में, ओरेकल कॉरपोरेशन ने प्रोवाइड किया है। तो ओरेकल कॉरपोरेशन क्या है? ओरेकल कॉरपोरेशन इज एन अमेरिकन बेस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, और ओरेकल कॉरपोरेशन जो है वो एक अमेरिकन बेस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, मतलब अमेरिका में इसकी हेड ब्रांच है। तो विच इज़ हेड क्वार्टर्ड इन रेडवुड शोर्स कैलिफोर्निया USA। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? USA के कैलिफोर्निया में रेडवुड शोर्स में इसका हेडक्वार्टर है। दिस ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस वॉज पर्सनली डेवलप्ड इन 1977। और ये ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस जो है इसको डेवलप किया गया था इन 1977 में बाय लॉरेंस एलिसन एंड अदर डेवलपर्स। लॉरेंस एलिसन और दूसरे डेवलपर्स के द्वारा। तो मेरा ये वीडियो का जो है फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट टॉपिक था। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ DBA कौन कौन से हैं। थैंक यू।